अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और नहायत ही रहम करने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ ऑन कुरान उर्दू ट्रांसलेशन, सूरह 104 एंड सूरह 105। बहुत बेहतरीन होने वाला है, स्टार्ट एंड तक पूरा देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हर गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है, शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी, बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। सही बात है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो ऑन कुरान उर्दू ट्रांसलेशन सूरह 104 एंड 105। बहुत बेहतरीन था, बहुत ही जल्दी हम मुकम्मल कंप्लीट कर देंगे कुरान उर्दू ट्रांसलेशन, एंड उसके बाद हम कुरान तफसीर भी ज़रूर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। एंड चाहे हमें एक जो पार्ट है वो दो पार्ट में तब्दील करना पड़े, तब भी हम ज़रूर करेंगे डेली का, क्योंकि हमें भी सीखना है और आपको आपके साथ भी वो करना है। एंड आप भी देखोगे हमारी वजह से तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक अ वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।